नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्पन्न कांत सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्पन्न कांत सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर उत्पन्न कांत सिंह गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। उनके गुजर जाने से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं उनके गुजर जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक वेदना व्यक्त की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उत्पल कांत सिंह के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध था। उनके यूं चले जाने के समाचार से मुझे काफी दुख पहुंचा है। उनका इस तरीके से गुजर जाना चिकित्सीय क्षेत्र के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इसके साथ ही उन्होंने दुख के इस घड़ी में परिवार वालों को धैर्य के साथ काम करने की बात कही है। सर्दी में भी होने लगा है गर्मी का एहसास। जनवरी के महीने में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था कि ठंड के मौसम में लोग गर्मी को महसूस करने लगे हैं। सूरज की तपिश ऐसी है कि मार्च का महीना हो। गुरुवार की ही बात करें तो गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि नीचे का पारा चढ़कर 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार राज्य में सबसे ज्यादा गर्म शहर की बात करें तो वो राजधानी पटना था। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, उससे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर पारा लुढ़केगा। बिहार पंचायत चुनाव में मतदाता बनने के लिए ये दस्तावेज है जरूरी। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 19 जनवरी से 1 फरवरी तक नए मतदाता बनाए जाएंगे। इसी बीच मतदाता सूची में संशोधन को लेकर दावा आपत्ति भी दाखिल करवाई जा सकती है। मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी के आधार पर नए मतदाताओं के नाम को मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नए मतदाता बनने के लिए आवेदनकर्ता को जन्मतिथि का प्रमाण और मामूली तौर पर निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप कागजात की प्रति देने के लिए कहा है। जन्मतिथि के निर्धारण के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और इन सब कागजात के नहीं होने पर माता पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा या संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। बिहार में आज 114 स्थानों पर ड्राई रन शुरू। बिहार में 1 हफ्ते के अंदर कोरोना के टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के दिशा निर्देश पर राज्य में पहले चरण के कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही टीकाकरण के दूसरे चरण का ड्राई रन राज्य के सभी जिलों के 3-3 यानी कि कुल 114 स्थानों पर आज से शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है और केंद्र की हरी झंडी का इंतजार है। वैक्सीन के रखरखाव और उसकी शीतलता की मुकम्मल व्यवस्था भी कर दी गई है। बिहार सरकार के हाथ में होगी स्मार्ट सिटी की कमान। अब स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी जिम्मेदारी बिहार सरकार के हाथ में होने वाली है। राज्य सरकार ने पटना सहित राज्य के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। चारों स्मार्ट सिटी के लिए गठित कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष पद से प्रमंडलीय आयुक्तों की छुट्टी कर दी गई है, जिसके बाद अब नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चारों कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष होने वाले हैं। चारों शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 5 साल की समय सीमा तय की गई है। हालांकि अवधि खत्म होने की तरफ और चयनित योजनाएं जमीन पर नहीं उतरी हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे विजय कुमार चौधरी की। विजय कुमार चौधरी का जन्म आज ही के दिन साल 1957 को हुआ था। विजय कुमार चौधरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वो 1982 में बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। वो पहले बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड विधानमंडल दल के नेता और बिहार सरकार में जल संसाधन, कृषि, पशु और मछली संसाधन और सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री के पद पर रह चुके हैं। बिहार में कोरोना जांच एक बार फिर कटघरे में। बिहार के मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड में उच्च विद्यालय ममई के छात्राओं और शिक्षकों को कुल मिलाकर 25 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी, जिसके बाद इन सभी की दोबारा से जांच करवाई गई, जिसमें 16 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सिविल सर्जन की माने तो मानवीय भूल के कारण जांच रिपोर्ट में यह त्रुटि देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रखंड के ममई गांव स्थित लाल बहादुर शास्त्री किसान उच्च विद्यालय ममई में गुरुवार को शिविर लगाया गया था। शिविर में 75 छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की जांच की गई। इसमें 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। जानकारी मिलते ही
सिविल सर्जन बीडीओ अमित कुमार तथा अन्य जांच टीम असरगंज पहुंची थी। सारण से साइकिल चलाकर पीएमओ ऑफिस पहुंचे शख्स की हुई चर्चा। बिहार में राशन कार्ड बनाने में गड़बड़ी कर गरीबों को सरकारी योजनाओं से वंचित करने का मामला अक्सर सामने आया है। इस बात को लेकर कई बार तरह तरह के लोगों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है, लेकिन इन सबके बीच बिहार के सारण जिले के रहने वाले राम नारायण प्रसाद चौरसिया विभाग में व्यापक धांधली से इतने ज्यादा खफा हो गए हैं कि उन्होंने साइकिल उठाई और बिहार के सारण जिले से देश की राजधानी दिल्ली के लिए निकल पड़े। इतना ही नहीं, अपने इस कदम को लेकर उन्होंने बताया कि वो दिल्ली पहुंचकर पीएम मोदी से विभागीय लाल फीताशाही की शिकायत करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। श्याम रजक को राजद का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर हमने कसा तंज। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश कमेटी का विस्तार कर दिया है, जिसके बाद पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं को प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने श्याम रजक, भूदेव चौधरी और प्रेम कुमार मणि को पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। वहीं दूसरी तरफ हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने श्याम रजक को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि दलित होने के कारण श्याम रजक को पार्टी प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पार्टी उनके साथ अच्छा नहीं कर रही है। जब श्याम रजक जदयू में थे तो उन्हें मंत्री पद मिला था, लेकिन राजद ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। श्याम रजक का डिमोशन हो गया है। राजद ने एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं होने की कही बात। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जदयू भाजपा के बीच में मंथन जारी है। बिहार भाजपा प्रभारी इसी बाबत पटना पहुंचे थे और सीएम नीतीश से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि अभी भी कई बिंदुओं पर दोनों दल के बीच खींचतान जारी है, जिसको लेकर राजद ने एक बार फिर टिप्पणी की है, जिसके तहत राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में 50-50 की भागीदारी हो, जिससे भाजपा को एतराज है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव पहुंचे दिल्ली। पिछले एक महीने में भाजपा और जदयू के बीच मनमुटाव लगातार जारी है। बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव बीते दिन पटना पहुंचे थे, जहां काफी देर तक उनकी बातचीत हुई है। हालांकि इस बैठक के बाद भूपेंद्र यादव रातों रात दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। वो दिल्ली जाकर भाजपा नेतृत्व के साथ चर्चा करने वाले हैं। हालांकि भूपेंद्र यादव की सभी बैठक गोपनीय रखी गई थी। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ जदयू कार्यालय पहुंचे थे और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई थी। संजय मांजरेकर ने की रविंद्र जडेजा की तारीफ। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी सिडनी टेस्ट मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा के डायरेक्ट थ्रो की जमकर तारीफ की है। आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों में कमाल किया। जडेजा ने गेंदबाजी के दौरान 4 विकेट लिए, जबकि अपनी चुस्त फील्डिंग से स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया। जडेजा के डायरेक्ट थ्रो पर स्मिथ 131 रन बनाकर आउट हुए और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की पारी 338 रनों पर सिमट गई, जिस पर संजय मांजरेकर ने उनकी जमकर तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि नामुमकिन जैसा लग रहा था, जो सिर्फ फील्डर जडेजा ही मुमकिन कर सकते हैं। लंदन में सलून पहुंचकर प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ा कोरोना प्रोटोकॉल। प्रियंका चोपड़ा बीते दिनों लंदन के एक सलून में पहुंची थी। एक्ट्रेस को हालांकि सलून जाना ही महंगा पड़ गया। लंदन के प्रशासन ने प्रियंका के इस कदम को कोरोना का उल्लंघन माना है। पुलिस ने हालांकि कोई मामला दर्ज नहीं किया, मगर मौखिक आधार पर प्रियंका को चेतावनी दे दी है और कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में भी बताया है। ब्रिटिश अखबार की माने तो प्रियंका चोपड़ा अपनी मां के साथ सलून गई थी और उनके साथ उनके स्टाइलिस्ट जोश वुड भी मौजूद थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई और सलून मालिक को मौखिक रूप में कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताया। शिवसेना ने सामना में उठाए नीतीश कुमार के सुशासन पर कई सवाल। शिवसेना के मुखपत्र सामना में आज भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पर बिहार में बढ़ते आरोप और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा गया है, जिसके तहत शिवसेना की तरफ से जारी किए गए संपादकीय में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में घटित अप्रिय वाक्य का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर ही कहा गया है कि इस घटना में चौंकाने वाली बात यह देखने को मिली है कि जान गंवाने वाले का चचेरा भाई आईपीएस अधिकारी है, मगर फिर भी अपराधियों को किसी बात का कोई डर नहीं है। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 20,346 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,03,95,278 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 234 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,50,570 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है। जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के
नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 1,37,398 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 2,25,449 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना जांच सही ढंग से करवाए जा रहे हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।